वाह अरे के आगे। ये लवली तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गाइस फिर से आ गए एक न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। तो गाइस अपन जॉर्जो पुल करते हैं, लेकिन जॉर्जो पुल में एक बंदे नहीं आते हैं। मुझे लगा यहाँ भी लॉकडाउन का प्रभाव पड़ रहा है कोरोना 2.0 का। तो फाइनली गाइस यहाँ बंदे नहीं आए थे, अपन निकलते हैं रोजक की तरफ पेट्रोलिंग के लिए, क्योंकि जहाँ जहाँ बंदे दिखेंगे अपन किसी को छोड़ने वाले नहीं है। इसी में रोजक की तरफ आता हूँ, वहाँ फाइट चलती है। जो हमारे नंबर 4 रहते हैं वो बोलते हैं ऊपर लेने के लिए, लेकिन मैं नीचे की तरफ लेता हूँ। इसी में हो जाते हैं सबके साथ स्कैम। नॉक करता हूँ और इसके एक बंदे इसे फुल डैमेज देंगे। मैं जैसे ही आगे जाता हूँ, इधर हमारे दोनों बंदे नॉक डाउन हो जाते हैं, क्योंकि इसके एक बंदे पीछे की साइड थे। मुझे मैंने उतना फोकस नहीं किया, इतने में सब नॉक डाउन हो जाते हैं, एक बंदे फिनिश भी हो जाते हैं। इसके एक बंदे जो टीटीपी लेके सबको मार रहे थे उसे मैं फिनिश कर लूँ, फिर आगे जाऊंगा। नॉक डाउन करके फिनिश कर दिया और अपने बंदे को रिवाइव करके और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि जो हमारे सामने भी पूरी फुल स्क्वाड है। अपन पूरा फ्लैंक करके पूरी लेफ्ट की ओर आते हैं, क्योंकि वो बंदे पूरे सामने वाले घर में थे। इतना पता था कि अगर ओपन से जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो फाइनली मैं इसे पूरी रोटेट करके आता हूँ, इसने में इसका एक बंदा और नीचे की तरफ आने लगता है। तो मैं थोड़ा देखता हूँ बंदे किधर है। तो फाइनली बंदे मुझे वॉल के उस पर दिखता है। इसका एक बंदा ओपन से आ रहा था और इसे मैं मार के फिनिश कर दूंगा। और इसके सामने वाले बंदे को डैमेज तो नहीं पड़ती, लेकिन इसके सामने दो बंदे और रहते हैं। क्लोज जाके बम फेंक ना, थोड़ा क्लोज जाके बम फेंक उधर साइड से जाके आगे। ये लवली यहाँ पे ये ऑल्टेड हो जाते हैं। जैसे मैं उसकी ऊपर की ओर जाता हूँ, एक गाड़ी हुई आती हुई दिखती है। ए ऊपर ऊपर ऊपर, ये रहा एक और। मार्क द लोकेशन, ये रहा मार्क द लोकेशन। फाइनली मुझे गाड़ी हुई आती हुई दिखती है, तो मैं आगे की तरफ जाता हूँ, क्योंकि मैं कोई गलती नहीं करने वाला था, क्योंकि इसमें मुझे चिकन डिनर लेना था। ये गाड़ी रिच की ओर आती है, थोड़ा मैं वेट करता हूँ कि अपनी तरफ से कोई गलती ना करूँ, क्योंकि बंदे अगर स्क्वाड रहे तो हम लोग सब पी ले जाएंगे। तो गाइस तो इसे मैंने बोला, ये जो नंबर 3 है, इन्हें जो मर गए थे वो बोलते हैं घर में चले जा। तो अपन पहले लूट करते, क्योंकि सामने से ही बंदों की फायर आ रही थी। नहीं है इधर जा, आगे जा। ये बॉट को फिनिश करता हूँ और थोड़ी लूट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि रिच के ऊपर भी बंदे हैं, तो अपन कोई गलती करने वाले हैं नहीं, क्योंकि एक बार ऐसे ही हुआ था जो मैं गलती किया था और फाइनली मारने के चक्कर में मैं मारा गया। ये गलती मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। थोड़ा सा देखता हूँ और नंबर 4 को चारा बनाता हूँ। ऐसे नंबर 4 ओपन में गया तो मुझे लगा ये बंदे यहाँ से हट गए। तो फाइनली मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, बंदे रिच के राइट साइड में थे। मैं स्प्रे दिया, नहीं मेरे पे लूट पूरी पूरी है। ये बंदा किसी और को मार रहा था, इतने में मैं इसे नॉकडाउन किया। और पता नहीं ये बंदा किसे मार रहा था, लेकिन इतने मैंने नॉकडाउन किया, इतने में मुझे फायर उसकी राइट वाले बंदे और थे तो मुझे शॉट देने लगे मुझ पर। और इधर से स्मोक हुआ और जैसे ही मैं नीचे की तरफ देखा दो बंदे आ रहे थे। यहाँ पे हो गया स्कैम हमारे साथ, बहुत ही गलत वाला। जो नंबर 2 ऑलरेड कर देते, थैंक गॉड ऑलरेड हो गया, क्योंकि इसके बंदे एक बैग आया भाई, जादू बोलते हैं ना, जादू बिल्कुल ऐसा। और इतने में मैं रिवाइव हो रहा था कि सामने से आ रही थी शॉट्स और गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो फाइनली मैं रिवाइव हुआ, मैं पीछे की तरफ गया। पीछे आओ, पीछे आओ, अरे कर दो बे। उसके बंदे होते हैं थोड़े मोड़े डैमेज पड़ते हैं उसका। और ये भाई साहब को देखिए, ये ओपन में ही रिवाइव कर रहा है, ये इसको रिवाइव।
सामने वाला होता है बंदा नॉकडाउन और नॉकडाउन होता हूं और इसे रिलोड कर रिलोड इसे मैं नॉकडाउन करके तक लॉन्ग रेंज में नॉकडाउन भी किया और इसे फिनिश भी कर दिया। और फाइनली ये हुआ कि अपन यहाँ से लूट करते हैं और निकलते हैं क्योंकि उसके और भी बंदे हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ओनली बंदा नॉकडाउन हुआ था और नॉकडाउन वाले को मैंने फिनिश किया। तो अपन यहाँ से निकलते हैं उस बंदे की पे रस करते हैं। तो इतने में सब बोल रहे थे कि अपन को यहाँ से निकलना चाहिए तो अपन निकलते हैं और फिर जाते हुए मैं उस बंदे पे रस करने के लिए जाता हूँ। मुझे बंदे यहीं से दिख जाते हैं बंदे आते हुए। तेरे पास आईपैड है तो ये बंदे सामने क्या हुआ सामने आके सो गए। फिनिश करता हूँ फाइनली इसके बंदे ऑलरेड हो चुके हैं। जो बंदे लॉन्ग रेंज से शॉट ले रहते हैं मेरा फायदा उठा लेते हैं हम लोग पे। तो फाइनली हम लोग उसको ऑलरेड करके और यहाँ से निकलते हैं। और जैसे यहाँ से निकलते हैं हमारी नंबर जो 4 रहती है वो जंप मार देती है गाड़ी से। मुझे लगा कि बंदे मुझे कोई फायर दे BSS लेकिन वो नंबर 4 गिर गई। तो फाइनली उसे जाकर लेते हैं और यहाँ से अपन चलते हैं क्योंकि बंदे भी मारने थे बंदे बचे नहीं थे। मैं माफ कर रही थी मैं गिर गई तो यहाँ से चलो। अब जैसे ही मैं इधर आया कि बंदे मुझे दिखे नहीं थे अपन जा रहे थे जैसे ही सामने से यहाँ पे तो बंदे कैसा शॉट होता है ना एक ही स्प्रे में पूरे बंदे गायब हो जाते हैं। जैसे ही आगे की तरफ जा रहा था दो वर्सेस सपोर्ट की वीडियो बनाएंगे लपक के एकदम नंबर वाइज इससे स्नाइपर तो बंदे सामने जैसे सामने बग गया ही फाइनली इसके दोनों बंदे मैंने लिटरली फिनिश कर दिए थे। क्या शॉट्स थे इसके मैंने जंप किए और दोनों को पूरे PUBG में हंगामा हो गया पिन दिया। और फाइनली अब इसके एक बंदे इसके दो बंदे थे क्योंकि ये पूरी फुल स्क्वाड थी ये बंदे दोनों नॉकडाउन हुए थे बंदे प्रो बनने के लिए आगे आ गए थे। तो यहाँ पे इसे रिसीव करते और अपन चलते क्योंकि इसका दो बंदा और था और एक बंदा इसका लिटरली जॉन से मर जाता है। यहाँ पे जो इसके साथ स्कैम होता है वो मुझे लगता है ऑफलाइन रहा होगा तो उसके एक बंदे जॉन से मर जाते हैं। अब बना था एक बंदे और एक बंदे पता है जहाँ उसके दूसरे बंदे नॉकडाउन हुए थे वो बंदा भी जाके वहीं प्रोन हो गया था। फाइनली जैसे मैं जंप मारता हूँ और उसे फिनिश करता हूँ। गाइज फाइनली इसके साथ चिकन डिनर। गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भाई प्लीज सपोर्ट करो और आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आगे जाऊंगा। गाइज तो प्लीज सपोर्ट करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो गाइज बाय ऐसे फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।